हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ सुबह के 10 या 10:30 बज रहे होंगे और ठंड में तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। और अभी मैं नहा करके जो साफ़ किया हुआ कपड़ा था उसे मैं यहाँ सूखने दे देती हूँ। उसके बाद हम पूजा पाठ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूजा पाठ हो गया है और आज नाश्ते में हम लोग ब्रेड और चाय का नाश्ता होगा, क्योंकि रोज़ रोटी पराठा खाने का मन नहीं करता है। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। और सबसे पहले मैं यहाँ पकौड़ों के लिए बेसन ले लूँगी और उसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल करके मिक्स कर घोल बना लूँगी और इसे 10 मिनट तक मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद अपने बगान से केला तोड़ना है। तो चलिए, तो देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बगान में और यहाँ पर मेरा केला पेड़ है और इसे मेरे हस्बैंड ने लगाया है। और देखिए कितना अच्छा केला का खांडी है, बहुत ही अच्छा है ये। और ये पक जाता है तो बहुत ही मीठा लगता है। तो थोड़ा मैं सोच रही थी कि जब तक कच्चा है तब तक मैं इसे सब्जी बना करके खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए केला का खांडी का वजन होने के कारण केला का पेड़ पूरा एकदम ज़मीन तक आ गया है। तो हमारा केला यहाँ पे सब्जी के लिए टूट गया है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ चावल का पानी हमारा उबल गया था तो उसमें हम डाल देंगे चावल। और उसके बाद यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें हम जब तक कढ़ाई हमारा गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पे केले को काट लेती हूँ राउंड शेप में। और यहाँ पे हम तेल डाल दिए हैं फौरन और हरी मिर्च को हम डाल दिए हैं और डाल करके अच्छे से हम इसे फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारा इधर केला फ्राई होता है तब तक मैं उधर पकौड़ों के लिए पकौड़ा बना लेती हूँ। तो यहाँ पकौड़ा का जो बेसन है हमारा 10 मिनट हो चुका था तो उसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है। उसके बाद इधर मैं केले में डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद प्याज डाल देंगे और हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है ताकि यहाँ पे हम सूखे जो फ्राई होते हैं केला का सब्ज़ी वो हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह डाल करके बनाने से केला का जो फ्राई भुजिया है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर हमारा पकौड़ा बन रहा है और इधर हमारा केला फ्राई हो रहा है। तो हमारा केला फ्राई हो गया है। अब इसे हम कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे हम मसाला बना ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सरसों डाल दिया है, मेथी डाल दिया है और हरी मिर्च चीरा लगा के डाले हैं, साबुत मिर्च और कड़ी पत्ता डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज डाल करके अच्छे से तेल में पका लेंगे। हम थाली इसीलिए यहाँ पर डाल दिए हैं ताकि उसका छींटे मुझ पर पड़े ना। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे, कर लेंगे। उसके बाद इधर यहाँ पे घोल बना रहे हैं कढ़ी के लिए। तो इसमें हमने बेसन लिया है, पानी और दही का घोल बना लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी को ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। और इधर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सा और अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल दिए हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, काली मिर्च पाउडर जब डालें तो एकदम थोड़ा सा डालें और जीरा पाउडर, फिर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें और उसे अच्छे से पका लें। तो हमारा कढ़ी का जो है वो मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है और उधर हमारा पकौड़ा भी बन चुका है। तो इसमें हम जो घोल बना करके रखे थे उसे हमें यहाँ पे डाल देना है। और जब बेसन का घोल हम इसमें डालेंगे तब हमें बीच बीच में इसे चलाते रहना है और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इसमें हम बेसन का जो पकौड़ा बनाए थे उसे हम डाल देंगे। और चूंकि ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम पकौड़े में हम डाले थे बेकिंग सोडा तो इसे ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा सारा पकौड़ा यहाँ टूट जाएगा। तो हमारा पकौड़ा का जो कढ़ी है यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अभी से मैं जितना भी बर्तन है यहाँ पे किचन में सारा निकाल लेती हूँ। डेली मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन होते हैं उसे खाली करके मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि किचन को हमको गंदा रखना पसंद नहीं है और किचन में जूठे बर्तन रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमें घर को और किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
तो खाना खाने के बाद यहाँ पे हम बर्तन धुलने के लिए आ गए हैं और हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं क्योंकि उनका 2 बजे का ड्यूटी था, तो वो खाना उना खा करके ड्यूटी निकल चुके हैं। तो मैं सोच रही थी कि जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हल्दी हमने बगान से निकाला है उसे भी हमें धुलना है, तो आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा है तो मैं उसे धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा बर्तन धुल लिए हैं हम, और किचन भी हमने क्लीन कर दिया है, सिंक भी यहाँ पे हम क्लीन करके रख देते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ हल्दी धोने के लिए, और इस बार ना हल्दी मेरा बगान से बहुत कुछ ज़्यादा ही निकला है पिछले साल के अपेक्षा। तो इसमें जितना भी मिट्टी है उसे मैं धो लूँगी और इसे धो करके रख दूँगी, और इसके बाद का प्रोसेस है हल्दी का जब हम इसे पकाएंगे। तो अभी तो ये मेरा कच्चा हल्दी है और इसे पकाना बाकी है क्योंकि इसे पानी में उबालेंगे तभी ये हमारा हल्दी बन करके तैयार होगा जो हम सब्ज़ी में डालेंगे। और घर का हल्दी सब्ज़ी में डालने से, थोड़ा सा भी डालने से कलर फुल हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि घर का कोई भी चीज़ हो वो बहुत ही बढ़िया होता है, कोई इसमें मिलावटी नहीं होता है। तो अभी जो हल्दी आता है उसमें तो थोड़ा बहुत मिलावटी रहता ही है, और हल्दी से हलवा भी बनता है, और जिसके पैरों में जोड़ों में दर्द होता है उसे हल्दी वाली दूध ज़रूर पीना चाहिए, उससे थोड़ा सा राहत भी मिलता है। फाइनली हमारा आज का सारा काम हो गया है और शाम हो गई है। देख तो आज का जो हमारा वीडियो था यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।